हेलो बच्चों, पिछले क्लास तक हमने आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म थोड़ा डिटेल में कर लिया था। हमने जान लिया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और उन्हें हम प्रेडिक्ट कैसे करें। दो आइसोमर में क्या रिलेशन है, इस बारे में भी हमने बात कर ली। अब हम समझने जा रहे हैं कि कोई एक गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि उसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकते। इसके लिए हमने आपको बताया था कि हमारे जरूरत पड़ेगी हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स की या अनसैचुरेशन फैक्टर। तो शुरुआत करते हैं, टॉपिक डालेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को समझते, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को समझने के लिए आपको एक चीज जानना जरूरी है, अनसैचुरेशन फैक्टर। अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होता है, तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस जानेंगे, इसको समझेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन करेस्पॉन्डिंग अल्केन माइनस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स प्लस नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम्स बाई टू। ये अनसैचुरेशन फैक्टर का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड करेस्पॉन्डिंग अल्केन क्या है। हर चीज का मतलब एक बार हम समझेंगे, एक दो एग्जांपल्स करेंगे, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। खैर, ये अनसैचुरेशन फैक्टर जो है, इसको अलग अलग किताबों में, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो इसके और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, अदर नेम्स ऑफ यूएफ, इसको यूएफ बोल देते हैं। क्या क्या है, तो हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसको इस टाइप के अलग अलग किताबों में, अलग अलग क्वेश्चंस में आप अलग अलग नाम से जानेंगे, सबका मतलब वही है, अनसैचुरेशन फैक्टर के बारे में बात करेंगे। अब अनसैचुरेशन फैक्टर है क्या, ये चीज समझना, पहले निकालना समझते हैं, उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस। तो निकालने के लिए हमें देखना होगा कि अनसैचुरेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन करेस्पॉन्डिंग अल्केन। तो सबसे पहले देखेंगे अल्केन क्या होता है, अल्केन क्या होता है, जिसके अंदर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसी को अल्केन बोलते हैं, करेक्ट। उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CN H2N प्लस 2। ये तो हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CN H2N प्लस 2। N का वैल्यू रखते जाएंगे, हाइड्रोजन का वैल्यू मिलता जाएगा, अलग अलग अल्केन्स मिलते जाएंगे। तो लेट से फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला गया कि C4H8 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, C4H8 का अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल। मान लेते हैं ये एक एग्जांपल है, C4H8 का अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल। तो यहां पे देखेंगे कार्बन कितना है, 4, कार्बन कितना है, N। तो
फॉर्मूले के हिसाब से n बराबर 4 आ गया, करेक्ट। अब देखेंगे पहला पार्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन करिस्पॉन्डिंग अल्केन, मतलब चार कार्बन का जो अल्केन बनेगा उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे। फिर से समझिए, चार कार्बन का जो हाइड्रोजन, ये जो अल्केन बनेगा उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे। चार कार्बन का करिस्पॉन्डिंग अल्केन के बारे में बात कर रहा है, चार कार्बन के अल्केन के बारे में बात कर रहा है, तो एन बराबर फोर पुट किया, एच कितना आया, टू एन प्लस टू, टू इंटू फोर एट, प्लस टू टेन, तो हाइड्रोजन कितना आया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन करेस्पॉन्डिंग अल्केन बराबर 10 आ गया। मेरे हिसाब से इस टर्म का मतलब क्लियर है। आप देखेंगे n का वैल्यू कितना कार्बन है, और उतना कार्बन यूज करके अगर अल्केन बनाया जाए तो उसके फॉर्मूले में कितने हाइड्रोजन है, वो चीज आपने यहां से निकाल लिया, करेक्ट। ये कैसे निकाला, यूजिंग CnH2n+2। अब क्वेश्चन में देखेंगे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं। आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में कार्बन तो मोनोवैलेंट है नहीं, मोनोवैलेंट कौन है, हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी वन, मोनोवैलेंट मतलब इसकी वैलेंसी वन होती, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं, 8। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स बराबर 8। इसी तरह से अगर कोई ट्राइवैलेंट एटम है तो वो भी आप देख सकते हैं, खैर यहां पर तो नहीं है, ट्राइवैलेंट मतलब नाइट्रोजन या नाइट्रोजन फैमिली का कोई एलिमेंट हो, तो ट्राइवैलेंट यहां पे कोई नहीं है। तो आपको जितना डेटा चाहिए वो आपको मिल चुका है। अब यूएफ का कैलकुलेशन करें, यूएफ क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला टर्म क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन करिस्पॉन्डिंग अल्केन, ये आपने निकाल लिया, फॉर्मूला में जितना कार्बन है उसके हिसाब से अगर अल्केन बनाया जाए तो उसमें कितना हाइड्रोजन होगा, कितना होगा, 10। अभी हमने इस फॉर्मूले को यूज करके बनाया है, निकाला है ये, करेक्ट। तो ये चीज लिख दिया मैंने, फिर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स फॉर्मूला देख के निकालना है, कितना है, 8, तो 10 - 8, करेक्ट। नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम्स, तो ट्राइवैलेंट मेरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक भी नहीं है तो 0 डिवाइडेड बाई 2, 10 - 8 2, 2/2 1, क्लियर, कोई कंफ्यूजन। तो आप लिख सकते हैं फॉर C4H8 अनसैचुरेशन फैक्टर इक्वल टू 1, UF बराबर 1, कोई कंफ्यूजन अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने में, जल्दी से फटाफट से नोट करेंगे और एक दो एग्जांपल करते हैं, ज्यादा आसानी से क्लैरिटी है। चलिए मिटाते हैं, क्वेश्चन है फाइंड यूएफ फॉर गिवन फॉर्मूला, ध्यान देंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या अनसैचुरेशन फैक्टर आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। पहले एग्जांपल ले लेते हैं C5H10O, दूसरा ले लेते हैं C4H9M, कोई कंफ्यूजन, और एक और ले लेते हैं C6H14। अब एक एक बार हर चीज को ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएंगे, तो देखिए कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 कार्बन का जो अल्केन बनेगा उसमें हाइड्रोजन कितने आएंगे,
कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला है एलकेएम का, एन का वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 है, 5 पुट करेंगे एन के जगह पे तो एच कितना आ जाएगा, 2 × 5 + 2 12 हाइड्रोजन आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? तो यूएफ बराबर आप निकालेंगे तो सबसे पहले आ गया आपका 12 क्या है, ये चीज क्लियर है, 12 क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन करस्पॉन्डिंग अल्केन, मतलब अल्केन में अगर 5 कार्बन होते, जितने कार्बन यहां पर है उतने कार्बन होते तो हाइड्रोजन कितना होता उस अल्केन में, तो 12 होते। माइनस करना है आपको नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, तो मोनोवैलेंट आपके पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है इस फॉर्मूले में, तो हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो 10 माइनस कर देंगे। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट ऐड करना है आपको ट्राइवेलेंट, क्या ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट है? नहीं है, आपको पता है इसकी वैलेंसी क्या होती है 2, तो ट्राइवेलेंट नहीं है, और ट्राइवेलेंट के बारे में ये डाइवेलेंट के बारे में वहां पे कुछ बोल नहीं रहा है, तो इसको जैसा था वैसा छोड़ देंगे। अब डिवाइडेड पे क्या करना है 2 × 2 = 1, तो इस फॉर्मूले के लिए यूएफ कितना आ गया 1, क्लियर है। उसी तरह से इस फॉर्मूले में जाएंगे, जब आप इस फॉर्मूले में जाएंगे यूएफ निकालना है आपको, तो सबसे पहले देखेंगे क्या निकालना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन करस्पॉन्डिंग अल्केन, अल्केन का जनरल फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, एन का वैल्यू क्या है, एन क्या है जितना कार्बन है, कार्बन कितना दिख रहा है आपको 4, तो एन का वैल्यू 4 रखिए, एन का वैल्यू 4 रखिए, क्या आएगा C4H2 × 4 + 2 × 4 8 8 + 2 10, तो यहां पे 10 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? माइनस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं, नाइट्रोजन तो ट्राइवैलेंट है, कार्बन भी मोनोवैलेंट नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन, करेक्ट, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 9, प्लस नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम्स, कोई ट्राइवैलेंट दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, नाइट्रोजन इज ट्राइवैलेंट, कितना है ट्राइवैलेंट एटम, तो 1 है प्लस 1 डिवाइडेड बाई, कितना आया 10 + 1 = 11, 11 - 9 = 2, 2 / 2 = 1। कोई कंफ्यूजन? उसी तरह से इसका निकालेंगे, यूएफ बराबर करिस्पॉन्डिंग अल्केन में कितने हाइड्रोजन होंगे वो निकालना है आपको, तो एन का वैल्यू क्या पुट करेंगे, अल्केन का जनरल फॉर्मूले में एन का वैल्यू पुट करेंगे, एन का वैल्यू यहां पे देखें 6 है, 6 वहां पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा C6H2 × 6 + 2, तो 6 × 2 = 12 + 2 = 14, तो यहां पे क्या आ जाएगा 14, माइनस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स देख रहे हैं आपको, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स फॉर्मूले में कितने हैं 14, 14 रखिए, क्या कोई ट्राइवैलेंट एटम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इग्नोर करिए, डिवाइड बाई 2, 14 - 14 = 0, यहाँ पे अनसैचुरेशन फैक्टर क्या आ गया 0, कैलकुलेशन क्लियर है अनसैचुरेशन फैक्टर का, ठीक। अब इस चीज को मिटाते हैं और समझते हैं अनसैचुरेशन फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है, अनसैचुरेशन फैक्टर कोई एक नंबर आ रहा है मेरे को तो उससे हम समझेंगे क्या, उससे क्या हम रिड्यूस करेंगे, मिटाए रहे? आई होप अनसैचुरेशन फैक्टर का कैलकुलेशन आपको आ गया है, काफी सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए, 4 एग्जांपल्स कर लिए, इतने में आ जाना चाहिए, राइट? तो अब टॉपिक डालेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ यूएफ, अनसैचुरेशन फैक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या दिखाता है अनसैचुरेशन फैक्टर, तो इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ
सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ पाई बॉन्ड्स और रिंग्स दैट कैन बी फॉर्म फॉर द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कहने का क्या मतलब है, सिग्निफिकेंस ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर क्या है, कि इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, जितने उस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड होंगे और जितने रिंग होंगे, यहां पे एंड होना चाहिए एंड रिंग, तो जितने पाई बॉन्ड है उसका सम ले लिया, जितने रिंग्स हैं उसका सम ले लिया, सबको ऐड कर दिया, तो उसके बराबर जो आएगा वही होगा आपका अनसैचुरेशन फैक्टर। ये फिर से समझेंगे, अनसैचुरेशन फैक्टर आपको कोई एक नंबर आ रहा था, वो नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, जो गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उससे कितने रिंग बन सकते हैं और कितने पाई बॉन्ड बन सकते हैं, उन दोनों का सम। क्लियर? तो इसी को मैथमेटिकली लिख सकते हैं, यूएफ बराबर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स पॉसिबल इन वन स्ट्रक्चर ऑफ गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड बन सकते हैं प्लस कितने रिंग्स बन सकते हैं, उन दोनों का सम बताता है आपको अनसैचुरेशन फैक्टर। अनसैचुरेशन फैक्टर किसके लिए निकाला जाता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए निकाला जाता है। आई होप इतना हद तक क्लियर होगा आपको, अब एग्जांपल्स करेंगे तो और ज्यादा डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं, बता रहे एग्जाम्पल C3H6, कोई भी रैंडम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लिया मैंने, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूएफ निकालेंगे, इसका अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा, तो आपको करेस्पॉन्डिंग अल्केन में कितना हाइड्रोजन है वो निकालना है। जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, CnH2n+2, ये किसका है, अल्केन का। एन का वैल्यू क्या रखना है यहां पे, तो 3 रखना है, कार्बन 3 है, तो C3H2 × 3+2, 3 × 6+2 8, तो हाइड्रोजन कितना आ गया 8, माइनस हाइड्रोजन फॉर्मूले में कितना है 6 डिवाइड बाय 2 by 2 1। That means C3H6 जो भी कंपाउंड बनेगा उसमें अगर पाई बॉन्ड और रिंग की संख्या देखेंगे तो इन दोनों का सम हमेशा बनाना चाहिए। That means जो भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर आप एक पाई बॉन्ड ले रहे हैं तो रिंग आपको 0 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 + 0 = 1 चाहिए आपको। ये 1 क्यों चाहिए, सम हैज टू बी इक्वल टू अनसैचुरेशन फैक्टर, अनसैचुरेशन फैक्टर का वैल्यू 1 है तो आपको यहां पे 1 चाहिए। क्लियर? अब ये स्ट्रक्चर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। 3 कार्बन है, एक पाई बॉन्ड बनाना है, CH3 CH CH2, 3 कार्बन एक पाई बॉन्ड के साथ, मेरे हिसाब से तो आप यही बना सकते, राइट? चेक कर लेंगे, तो कार्बन कितना है 1 2 3 C3, हाइड्रोजन कितना है 3 4 5 6 H6, मिल गया आपको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में, इस स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं, एक पाई बॉन्ड है, कोई रिंग आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, करेक्ट?
इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है ये समझता है। ऐसा भी तो बन सकता है स्ट्रक्चर जिसमें पाई बॉन्ड जीरो हो, रिंग एक बने, तो यहां पर भी क्या होगा, जीरो प्लस वन बराबर वन, ये भी आपका अनसैचुरेशन फैक्टर के बराबर है। तो एक रिंग हो, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं, ये भी आप केस ले सकते हैं। भाई ले लेते हैं केस सी एच टू सी एच टू सी एच टू, करेक्ट। यहां पर भी आपने क्या लिया है, एक रिंग लिया है, रिंग मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिंग से मेरा क्या कहने का मतलब है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर। तो यहां पे एक साइकिल बन रहा है, करेक्ट, दैट मींस एक रिंग बन गया। देखिए मैंने रिंग बनाया है तो पाई बॉन्ड नहीं बनाया, अब काउंट करेंगे तो कार्बन कितना है तीन, सी थ्री, हाइड्रोजन कितना है तो दो दो चार दो छह, एच सिक्स, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये दोनों केसेस पॉसिबल हैं। अब मैं यहां पर एक और केस आगे बढ़ा देता हूं आपको, ये भी एक रखूंगा ये भी एक रखूंगा, तो यहां पर क्या आएगा, वन प्लस वन इक्वल टू टू। तो आप देखेंगे अनसैचुरेशन फैक्टर का वैल्यू क्या है, वन है, लेकिन आपको यहां पे टोटल क्या आ रहा है, टू। दैट मीन्स ये केस पॉसिबल नहीं है, इस केस को आप हटा देंगे, क्योंकि दोनों का सम, पाई बॉन्ड और रिंग का सम क्या आना चाहिए, अनसैचुरेशन फैक्टर के बराबर आना चाहिए। कोई कंफ्यूजन, एक और एग्जांपल से समझते हैं, मिटाएंगे। एग्जांपल C6H6, सबको पता है 10th क्लास में आपने पढ़ लिया है, इस टाइप के फॉर्मूले को हम बेंजीन बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं। लेकिन अभी हम मॉलिकुलर फॉर्मूला एनालाइज कर, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी मॉलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे, आपके दिमाग में आएगा क्या, सबसे पहले इसका सैचुरेशन फैक्टर निकालो, निकालो भाई क्या आएगा, तो करेस्पॉन्डिंग अल्केन में कितने हाइड्रोजन होंगे वो देखना है, एन का वैल्यू देखिए छह रखना है, तो टू इंटू सिक्स प्लस टू, छह दूना बारह दो चौदह, तो करेस्पॉन्डिंग अल्केन में कितना हाइड्रोजन होगा, चौदह, माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, हाइड्रोजन है सिर्फ यहां पे तो छह हो जाएगा, कोई ट्राइवेलेंट है नहीं तो डिवाइडेड बाय टू, चौदह माइनस छह आठ, आठ बाय दो चार, करेक्ट। अब इस अनसैचुरेशन फैक्टर बराबर चार होने का मतलब क्या है, वापस से वही चीज आ जाएंगे, पाई बॉन्ड ले लेंगे, रिंग्स ले लेंगे, रिंग का मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, और इन दोनों का सम ले लेंगे, सम का मतलब अनसैचुरेशन फैक्टर के बराबर आना चाहिए। उठा लिया हमने, अब मान लेते हैं सबसे पहला केस, तीन पाई बॉन्ड एक रिंग, तो थ्री प्लस वन बराबर फोर, अनसैचुरेशन फैक्टर का वैल्यू फोर था, यहां फोर आ रहा है, दैट मींस हम सही जा रहे हैं, तीन पाई बॉन्ड और एक रिंग हो सकता है, तो एक रिंग बना ले और तीन पाई बॉन्ड बना ले, कोई कंफ्यूजन। आपको बताया था सारे वर्टेक्स क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, तो कार्बन कितने हैं देख लेंगे, यहां पे छह कार्बन है तो सी सिक्स, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है चार, तो इस कार्बन में देखिए कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक दो तीन, दो राइट साइड वाले कार्बन से एक लेफ्ट साइड वाले कार्बन से, तीन बॉन्ड इस कार्बन ने बना रखे, चौथा बॉन्ड क्या होगा बोला था, हिडन क्या होता है, हाइड्रोजन, तो यहां पे एक हाइड्रोजन हिडन है, सिमिलरली यहां पे एक हाइड्रोजन, 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 क्लियर। तो इसका और हाइड्रोजन कितना हो गया, C6H6, और यही होता है आपका बेंजीन, आपको पता है यही फॉर्मूला आएगा, कोई दिक्कत। और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, रिंग जरूरी नहीं है आप सिक्स मेंबर्ड बनाए,
कैसा भी रिंग बना सकते हैं हम, रिंग की भी पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है। मान लीजिए मैंने ये रिंग बना दिया, थ्री मेंबर्स, मेरे को तीन और कार्बन लगाने हैं तो लगा देंगे भाई। करेक्ट, देखिए यहाँ पे एक रिंग बन रहा है तो एक रिंग बनना चाहिए, तीन पाई बॉन्ड बनने चाहिए, पहला पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड बन रहा है तो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक रिंग होना चाहिए, तीन पाई बॉन्ड होना चाहिए, सेटिस्फाई हो रहा है। फॉर्मूला देख लेंगे तो जितना वर्टेक्स था वो क्या हो गया, कार्बन, तो इधर तीन कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन, तो सी सिक्स हो गया। हाइड्रोजन काउंट करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, एच सिक्स हो गया। करेक्ट, तो कहने का मतलब है स्ट्रक्चर आप सिक्स मेंबर रिंग बनाए, थ्री मेंबर रिंग बनाए, फोर मेंबर रिंग बनाए, फाइव मेंबर रिंग बनाए, उस चीज से मेरे को मतलब नहीं, मतलब मेरे को सिर्फ इस चीज से है कि जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें रिंग और पाई बॉन्ड का सम हमेशा चार आना चाहिए। चार क्यों आना चाहिए, क्योंकि चार आपका अनसैचुरेशन फैक्टर का वैल्यू है। ठीक है, चलिए इसी का दूसरा केस देखते हैं, ये केस मिटाते हैं। टू पाई बॉन्ड, टू रिंग, इन दोनों का सम भी क्या आ जाएगा, टू प्लस टू, फोर, दैट मीन दो पाई बॉन्ड और दो रिंग भी हो सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं कोई स्ट्रक्चर बनाने का। दो रिंग बना दिए, दो पाई बॉन्ड बनाने हैं, दो रिंग बना दिए, दो पाइवोट बना दिए, चेक करते हैं कितना कार्बन है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह कार्बन है जिसमें दो रिंग है, दो पाइवोट है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, तो इस कार्बन ने तीन बॉन्ड बना रखे हैं, एक हाइड्रोजन हो गया, इस कार्बन ने भी तीन बॉन्ड बना रखे हैं, एक हाइड्रोजन हो गया, यहां पर दो बॉन्ड, यहां पर एक बॉन्ड, तीन बॉन्ड बना रखे हैं चौथा हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन ने भी तीन बॉन्ड बना रखे हैं एक हाइड्रोजन के साथ, इसका भी वही सिनारियो है, इसका भी वही सिनारियो है, इसका भी वही सिनारियो है, तो चेक करें कितना कार्बन है, छह कार्बन है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, हाइड्रोजन कितना है काउंट करेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, कोई कंफ्यूजन, दैट मींस जो अनसैचुरेशन फैक्टर का वैल्यू आपको मिल रहा है दैट हैज टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ रिंग्स इन द गिवन स्ट्रक्चर। किसी भी एक स्ट्रक्चर में बनाएंगे उसमें इन दोनों का सम हमेशा अनसैचुरेशन फैक्टर के बराबर रहना चाहिए। कोई कंफ्यूजन? अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये चीज समझेंगे। मिटाया जाए, सबसे पहले एक दो कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद इसके एप्लीकेशन पे आते हैं। तो क्वेश्चन मेंशन करेंगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स of molecular formula C4H10. Total number of structural isomers C4H10 formula के साथ कितने सारे होंगे ये चीज आपको पता करना। तो कोई भी क्वेश्चन रहे हमेशा आपको चाहिए, तीन आपको क्वेश्चन है, C4H10, C5H12, C6H14। तीन क्वेश्चन मैं सिंपल वाले करके दिखाता हूं आपको, उसके बाद हम लोग और थोड़ा कॉम्प्लेक्स केसेस मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट ले लेते हैं C4H10 का,
C4H10 को सॉल्व करना है, तो आपको पहला काम क्या बोला, पहला काम आपको क्या करना है, अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना, निकाले तो UF बराबर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन करेस्पॉन्डिंग अल्केन कितना है, तो CN H2N plus 2, N का वैल्यू 4, 4 रखिए, 2 into 4 plus 2, 4, 2 ना 8, 2, 10, माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, तो हाइड्रोजन कितना है, 10, by 2, 0, तो अनसैचुरेशन फैक्टर 0 होने का मतलब क्या है, देर आर नो पाई बॉन्ड्स और रिंग्स फॉर गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब कोई भी कंपाउंड आप बनाए C4H10 फॉर्मूला के साथ, इसके पास कभी भी ना रिंग बनेगा ना पाई बॉन्ड, क्लियर है। तो अब इसके आगे कैसे प्रोसीड, इसके आगे प्रोसीड करने का हमेशा आपका एक सिंपल बेसिक अप्रोच रहेगा, आप हमेशा डिसेंडिंग नंबर ऑफ कार्बन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे चार कार्बन के बारे में बात हो रहा है, तो सबसे पहले आप मेन चेन बना लें चार कार्बन, केस वन मेन चेन, जिसको आप पेरेंट चेन भी बोलते हैं, ऑफ फोर कार्बन बना ले, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3, करेक्ट। आपको कोई रिंग या पाई बॉन्ड तो बनाना नहीं है, तो उस बारे में हम सोचेंगे नहीं, हम सीधे सीधे चार कार्बन का एक चेन बना लेंगे, करेक्ट। आप एक बार चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, लेकिन अनसैचुरेशन फैक्टर को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप मान के चलेंगे आपका सही ही बन रहा है, फिर भी एक बार चेक करने के लिए देखें कार्बन कितना है, 1, 2, 3, 4, चार कार्बन होने भी चाहिए थे। हाइड्रोजन कितना है, तो 3, 2, 5, 2, 7 और 3, 10, 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन होने भी चाहिए थे, दैट मीन्स हमारा केस सेटिस्फाई हो रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट आता है केस टू, अब देखिए यहां पर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, राइट तो आपका एक ही स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें पेरेंट चेन चार कार्बन का होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। केस टू देखेंगे, मेन चेन जिसको हम पेरेंट चेन भी बोलते हैं, वो तीन कार्बन का होगा, तो ठीक है, तीन कार्बन का चेन बना लेते हैं, CH3 C CH3, करेक्ट, तीन कार्बन का चेन है, चौथा कार्बन जाहिर सी बात है यहीं पर होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, क्यों, क्योंकि आपको पेरेंट चेन बनाना है तीन कार्बन का। अब ये CH3 अगर आप इधर लगाते हैं तो चार कार्बन का चेन बन जाएगा, इधर लगाते हैं तो भी चार कार्बन का चेन बन जाएगा, तो ये CH3 जब भी आएगा मिडिल में आएगा, करेक्ट। फॉर्मूला चेक कर लेंगे, तो 1, 2, 3, 4, चार कार्बन, हाइड्रोजन कितना है, 3, 6, 9, 10, सैटिस्फाई कर रहा है। आपसे पूछा जाए ये और ये स्ट्रक्चर अलग अलग है या सेम, बिल्कुल अलग है, आपको दिख रहा है, इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, 4, इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, 3। आपसे पूछा जाए ये दोनों आइसोमर्स है, बिल्कुल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कैसे आइसोमर है, तो चेन लेंथ में डिफरेंस है, दोनों कैसे आइसोमर हुए, चेन आइसोमर्स हुए। तो ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये था आपका C4H10 को सॉल्व करना। अब हम आते हैं C5H12 पे, उसमें थोड़ा केस एक दो और बढ़ेगा। यहां पर आपसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं, तो दो, एक ये एक ये, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H10 इक्वल टू। चलिए फटाफट नोट करें, फिर हम लोग दूसरे एग्जांपल पे आते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो है C5H12। सीधे सीधे पहला काम क्या करें, अनसैचुरेशन फैक्टर निकालें। अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा, इस फॉर्मूले में 5 पुट करेंगे तो 5 × 2 + 2, 5 × 10 = 2, 10 + 2 = 12। तो 12 माइनस मोनोवेलेंट कितने हैं, 12 बाई 2 0। तो यहां पर भी सबसे पहला पॉइंट आपको क्या मिलेगा, नो पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स के बारे में नहीं सोचना है, और नो रिंग्स, रिंग्स के बारे में भी आपको नहीं सोचना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं सोचना है, सीधे सीधे बनाते जाए, करेक्ट। अब आप क्या करें, सोचे भाई आपको क्या बोला है करने के लिए, हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ने के लिए बोला है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़िए। केस वन क्या ले लेंगे आप, व्हेन पेरेंट चेन हैज 5 कार्बन, द पेरेंट चेन में 5 कार्बन होगा, तो क्या है CH3, CH2, 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 CH3। ये पेरेंट चेन में देखिए 5 कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए 12 ही है, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 3 बार। इसकी कोई और पॉसिबिलिटी तो है नहीं, क्योंकि ये पूरा मिलाकर एक चेन बन रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। केस टू पे आते हैं, व्हेन पेरेंट चेन हैज 4 कार्बन, द पेरेंट चेन के पास 4 कार्बन है, देख लें CH3, CH2, CH2, CH3। चलिए पेरेंट चेन के पास 4 कार्बन है, आपको कहीं पर तो एक CH3 लगानी है, तो आप खुद से सोचें, इधर आप CH3 नहीं लगा सकते, इधर CH3 अगर लगाएंगे तो लेंथ इंक्रीज करके 5 कार्बन का हो जाएगा, जो कि आपको नहीं चाहिए, तो ये आप नहीं कर सकते। आपको कहां लगाना पड़ेगा, यहां पे लगाना पड़ेगा, तो यहां पे आप लगाए CH3। अब यहां पे देखेंगे ये 4 कार्बन का पेरेंट चेन है और ये साइड चेन का काम करता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो जाएगा जब पेरेंट चेन 4 कार्बन के। अब कोई बच्चा मेरे से ये भी क्वेश्चन कर सकता है, सर आप यहां पे लगा रहे हैं, यहां पर भी तो लगा सकते हैं, तो आप नॉमिनेचर लिख कर दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब साइड चेन इधर जुड़ा हुआ है नंबर इधर से करेंगे, जब साइड चेन यहां पे जुड़ा रहेगा नंबर इधर से करेंगे, करेक्ट। लोएस्ट नंबरिंग देनी होती है आपको सब्स्टिट्यूएंट को, तो इसको लोएस्ट नंबरिंग कहां से देंगे, इधर जुड़ा हुआ है तो इधर से देंगे, इधर जुड़ा हुआ है तो इधर से देंगे, तो कोई अलग केस नहीं होता, एक लौता यही केस रहेगा जब पेरेंट चेन आपके 4 कार्बन में, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट आते हैं केस 3 पे, व्हेन पेरेंट चेन हैज 3 कार्बन, जब पेरेंट चेन के पास 3 ही कार्बन है, बना लेते हैं CH3, CH2, CH3। पेरेंट चेन के पास 3 ही कार्बन है, आपके पास बचे कितने, 2 कार्बन, आपको पाई बॉन्ड और रिंग के बारे में सोचना नहीं है, तो आप कहां लगा सकते हैं दोनों कार्बन, एक इधर लगा सकते हैं, एक इधर लगा सकते हैं, वेरी गुड, नहीं लगाएंगे उधर, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ चेन इंक्रीज कर जाएगा, आपके पास ऑप्शन एक ही है, बीच वाले कार्बन पे लगाया जाए। चलिए बीच वाले कार्बन पे लगाते हैं, यहाँ पे देखें पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, 2 साइड चेन हो गया, एक एक कार्बन का, क्लियर। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर आप ऐसा कर लीजिए कि दोनों कार्बन यहीं पे लगा दीजिए, क्यों ऐसा नहीं किए, तो आप देखिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन लेना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ये हो गया, और आपका केस भी फुलफिल नहीं होगा। केस क्या है, व्हेन पेरेंट चेन हैज 3 कार्बन, यहां पे पेरेंट चेन के पास 4 कार्बन, दैट मींस ये और ये केस सेम हो गया, देख लें सेम ही केस है ये और वो, इसको बस ऐसे उठाएं, ये CH3 सेकंड कार्बन पे आ गया, बाकी पेरेंट चेन हो गया, एकदम यही केस है, इसलिए ये केस हम दोबारा नहीं काउंट करते, इस चीज का ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन है, तो
आप यहां पर क्या देख रहे हैं, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर मिल रहे हैं इस फॉर्मूले को, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर C5H12 बराबर 3, करेक्ट। मिटाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। थर्ड एग्जांपल है आपका C6H14 का, इसका अनसैचुरेशन फैक्टर निकालेंगे क्या आएगा, तो यहां पे एन के जगह पे क्या रखेंगे, 6 रखिए क्या आता है, 6 × 2 = 12 + 2 = 14 माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, फॉर्मूला देखिए 14 है बाई 2 0 आ गया, तो इसमें भी आपको क्या कंफ्यूजन मिल रहा है, 0 पाई बॉन्ड्स एंड 0 रिंग्स, ना इसमें कोई पाई बॉन्ड होगा ना इसमें कोई रिंग होगा, उस बारे में हमें सोचना नहीं है, उस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है, क्लियर है। अब वापस से आप वही काम करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ें, सबसे पहले 6 कार्बन, तब पेरेंट चेन, केस में पेरेंट चेन कंटेनिंग 6 कार्बन बना लेते हैं, CH3 CH2 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 CH3 3 6, इसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है क्योंकि ये एक सिंगल चेन है 6 कार्बन का और आपके फॉर्मूले में 6 ही कार्बन आने चाहिए, राइट। केस 2 उठाते हैं, PC विद 5 कार्बन, 5 कार्बन का पेरेंट चेन लेंगे अगर, तो CH3 CH2 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 CH3 ये 5 कार्बन का चेन हो गया, आपका एक कार्बन बच रहा है, तो एक कार्बन आप एंड में तो लगा नहीं सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी खत्म, ये पॉसिबिलिटी खत्म, क्यों, क्योंकि चेन का लेंथ ही बढ़ जाएगा, फिर 6 कार्बन का हो जाएगा, वो आपको चाहिए नहीं, तो इधर नहीं लगाएंगे और इधर नहीं लगाएंगे। अब आपके पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है, एक यहां पर लगा दिए CH3, करेक्ट, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, ये CH3 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहां पे लगाते हैं CH3, तो ये और ये स्ट्रक्चर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। अब एक और पॉसिबिलिटी है, CH3 को बीच वाले कार्बन पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल अलग होगा उसका नॉमेनक्लेचर, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन हो जाएगा, तो एक वो भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 इसमें भी देखें यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, पेरेंट्स जिनके पास 5 कार्बन होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन का पेरेंट्स, यहां पर भी पेरेंट्स जिनके पास 5 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 5 कार्बन का पेरेंट्स, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, नहीं, एक में सेकंड पोजीशन पे CH3 जुड़ा हुआ है, एक में थर्ड पोजीशन पे CH3 जुड़ा हुआ है, तो दोनों इक्वल भी नहीं है, इक्वेलेंट भी नहीं है, करेक्ट, पेरेंट चेन विद 5 कार्बन का केस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं केस 3, पेरेंट चेन विद 4 कार्बन का केस, CH3 CH2 CH2 CH3 अब आपके पास बचे कितने कार्बन, 4 कार्बन तो आपने बना दिए, बचे कितने, 2 कार्बन, 2 कार्बन आपको अरेंज करना है, तो 2 कार्बन में से एक भी कार्बन आप यहां पे नहीं लगा सकते हैं, यहां पे नहीं लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं, लेंथ, चेन का लेंथ बढ़ जाएगा, तो आपको लगाना या तो इस कार्बन पे है या तो इस कार्बन पे, करेक्ट, तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक केस आप बोल सकते हैं कि सर एक इस पे लगा दीजिए, एक इस पे लगा दीजिए, बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप,
ये CH3 हो गया, यहाँ पे ये भी CH3 हो गया, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट चेन में देखिए चार ही कार्बन है, सेकेंड और थर्ड दोनों पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। आप बोलेंगे नहीं सर हम दोनों सब्स्टिट्यूएंट को एक ही कार्बन पे लगाएंगे, हम बोलेंगे सर आपको जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3। अभी भी पेरेंट चेन के पास देखेंगे तो चार कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो साइड चेन है, जो ब्रांच है, वो दोनों एक ही कार्बन पे जुड़ा हुआ है सेकंड पोजीशन पे, तो आपका पेरेंट चेन का लेंथ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है। अब कोई मेरे को बोलता है अगर कि सर मैं क्यों नहीं इसी कार्बन पे दोनों लगा दूं, चलिए एक बार कोशिश कर लेते हैं। CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3, यही केस है, इस कार्बन में मैंने ये ग्रुप लगा दिया। तो ध्यान देंगे यहां पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन आपका ये हो गया है और ये आपका ब्रांच बन गया, करेक्ट। तो आपका जो केस था ये केस ही फॉलो नहीं कर रहा है। अब ये इस वाले केस में आ गया है, पेरेंट चेन विद 5 कार्बन, देखिए 5 कार्बन आ गए, 5 कार्बन, करेक्ट। दैट मींस ये केस पॉसिबल नहीं है। मैं आपको इसीलिए बार बार बोल रहा हूं हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ने का फायदा क्या होगा कि अगर आप कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे तो आपको प्रीवियस स्ट्रक्चर्स में वो पता चल जाएगा कि आप ये बना चुके हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये स्ट्रक्चर आप कंपेयर कर लेंगे, हूबहू एकदम वही स्ट्रक्चर मिलेगा, क्लियर है, करेक्ट। तो ये था आपका 3 केस, एक बार नोट करेंगे, चौथा केस कोशिश करते हैं, चौथा केस कोई होगा क्या, चलिए चौथे केस पे आते हैं। पेरेंट चेन विथ 3 कार्बन, केस 4, पेरेंट चेन विथ 3 कार्बन, दैट मीन CH3 CH2 CH3। अब आपको और कितने लगाने हैं इसमें, 3 और कार्बन लगाने, आप इधर लगा नहीं सकते, इधर लगा नहीं सकते, यहां पे आपको लगाना है। और हम पिछले केस में ही देख चुके थे कि लगातार हम 2 नहीं लगा सकते, वरना चेन का लेंथ बिगड़ जाएगा। तो आप मैक्सिमम इधर 1 लगा सकते हैं, इधर 1 लगा सकते हैं, करेक्ट। तब भी कितना कार्बन हो रहा है, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स आप 6ठा कार्बन कहीं पर नहीं लगा सकते, दैट मीन्स ये केस पॉसिबल होगा ही नहीं, क्लियर है। तो आप देखें कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे ये आपके सामने, कितने होंगे, तो एक इसमें, एक ये, दो इसमें, एक और दो, दो इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हो गए, 5। तो इस टाइप के आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आया आप बना सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, क्वेश्चन में अब रिंग और पाई बॉन्ड ये सारी चीजें ऐड करते हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स बहुत है, मिटाए जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। C5H10 में आपको बताना है इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, तो फॉर्मूला क्या है, C5H10 इसका UF क्या आएगा, तो करिस्पॉन्डिंग अल्केन में कितने हाइड्रोजन है वो पता करें, N का वैल्यू क्या है 5, 5 रखा है यहां पे, 5 × 2 10 + 2 12, मोनोवैलेंट कितने हैं हाइड्रोजन, यहां पे मोनोवैलेंट कितने हैं, यहां हाइड्रोजन है सिर्फ कितने हैं 10 / 2 2 / 2
करेक्ट, दैट मीन्स यहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, यहां पे पॉसिबिलिटी क्या क्या आएगी, एक अगर पाई बॉन्ड आ रहा है तो रिंग एक भी नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम हैज टू बी इक्वल टू वन सैचुरेशन फैक्टर, 1+0=1, ये अनसैचुरेशन फैक्टर के बराबर आ रहा है, या फिर एक भी पाई बॉन्ड नहीं हो, एक रिंग हो, इसमें भी क्या है 0+1=1, ये भी अनसैचुरेशन फैक्टर के बराबर आ रहा है, तो या तो एक केस होगा या तो ये केस होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो इसमें दो केस आपको अलग अलग से सॉल्व करने पड़ेंगे, ऑर्डर सॉल्व करने का यही हो वही होगा, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही प्रोसीड होगा, क्लियर है, कैसे आपका क्वेश्चन आ सकता है कैसे प्रोसीड करेंगे, तो शुरू करते हैं केस वन, केस वन केस ऑफ पाई बॉन्ड, जब पाई बॉन्ड बन रहा है, केस ऑफ पाई बॉन्ड है, तो इसमें कोई रिंग प्रेजेंट नहीं होगी, ये आपको पहले से पता है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जब आपने पाई बॉन्ड ले लिया तो इसमें रिंग कितना आ रहा है, जीरो, तो इसमें रिंग नहीं होगा, अब आपको वापस से क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोसीड करना है, चलिए पांच कार्बन चेन का बात करें हम, तो सी अगले स्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हिडन छोड़ेंगे, आप वैलेंसी कार्बन की जानते हैं चार होती है, टेट्रावेलेंट होता है, तो रिमेनिंग जो भी वैलेंसी है आप अपने आप से हाइड्रोजन को फिल करेंगे, ठीक है, तो पांच कार्बन का ये चेन हो गया, करेक्ट, अब आपको एक पाई बॉन्ड बनाना है, तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, सोचेंगे कहां कहां पे पाई बॉन्ड आ सकता है, तो पाई बॉन्ड कहां कहां पे आ सकता है इस बारे में बात करें, पाई बॉन्ड एक यहां पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आ सकता है, एक पाई बॉन्ड यहां पे आ सकता है, राइट, चलिए दोनों स्ट्रक्चर को बनाकर देखते हैं, उसके बाद आगे के बारे में बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर ये हो गया CH2, दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो गया CH3, CH2, CH, CH, CH3, ये दो स्ट्रक्चर हो गए, कोई कंफ्यूजन, अब कोई बच्चा बोलता है सर हम यहां पर लगाएं तो क्या दिक्कत है, लगा के देखिए, आपने क्या किया यहां पे लगा दिया, आप बोलेंगे ये भी एक केस है, लेकिन आप कंपेयर कर रहे हैं इसको और इसको, इसका नॉमेनक्लेचर के लिए नंबरिंग इधर से करेंगे, सेकेंड और थर्ड के बीच में ही पाई बॉन्ड है, इसके नॉमेनक्लेचर के लिए नंबरिंग इधर से करेंगे, पाई बॉन्ड सेकेंड और थर्ड के बीच में ही, दैट मींस ये दोनों एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर हो गए, तो दो बार तो काउंट नहीं करना है, इसको एक ही बार काउंट करेंगे, क्लियर है, तो ये था आपका जब पांच कार्बन का चेन, ये केस क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, चार कार्बन चेन का बात करें हम, जब चार कार्बन का चेन लेंगे तो भाई लेते हैं हाइड्रोजन अपने आप से आप फिल करेंगे, आपको क्या करना है पांचवा कार्बन लगाना है, तो पांचवा कार्बन की पॉसिबिलिटी आपके पास एक ही जगह बनती है यहां पर, करेक्ट, ये हमने C5H12 में बात कर ली थी कहां कहां पे कार्बन लग सकता है, अब हमें सोचना है हम पाई बॉन्ड कहां पे लगाएंगे, तो पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी देखिएगा, पाई बॉन्ड एक तो यहां पे लग सकता है, चलिए लगा ही देते हैं, एक ये हो गया, एक पाई बॉन्ड कहां पे लग सकता था, यहां पे लग सकता था, वो स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, करेक्ट,
और पाई बॉन्ड कहाँ लग सकता था? तो यहाँ पे भी लग सकता था, ये भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कोई कंफ्यूजन? तो चार कार्बन जिसका पेरेंट चेन होगा उसकी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये या ये, करेक्ट। अब तीन कार्बन का केस देखते हैं, थ्री कार्बन चेन, थ्री कार्बन का चेन बना लेते हैं, सी सी और सी, दो कार्बन लगाने हैं, चलिए लगा लेते हैं। अब आपको पाई बॉन्ड देना है, पाई बॉन्ड देने का कोशिश करते हैं, तो इस कार्बन पाई बॉन्ड यहां से बना सकता है, लेकिन इसने तो चार अपनी वैलेंसी पूरी कर ली, तो कोई भी कार्बन आउटर कार्बन इनर कार्बन के साथ पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, तो देख रहा है ये चीज। तो जब पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता है, दैट मींस ये केस भी पॉसिबल नहीं होगा, क्लियर है? तो आपके पाई बॉन्ड वाले कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बने? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच स्ट्रक्चरल आइसोमर बने। चलिए इसको मेंशन कर लेते हैं और आगे बढ़ते, एक बार नोट करेंगे जल्दी से। टोटल
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बराबर है। कोई कंफ्यूजन? तो ये था आपका थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन जहां पे आपको काउंट करना था आपको अनसैचुरेशन फैक्टर का एक्चुअली में यूज आ रहा था रिंग होगा या रिंग नहीं होगा पाई बॉन्ड। जल्दी से नोट करें, एक और एग्जांपल करते हैं फिर आज का क्लास एंड करेंगे। नोट कर लिया? क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। ठीक है, आप वापस से क्या करेंगे, C3H6O लेंगे और इसका अनसैचुरेशन फैक्टर निकालेंगे। कितना आएगा? तो N के जगह पे क्या रखना है आपको, 3 रखना, 2 × 3 = 6, 6 + 2 = 8। करेस्पॉन्डिंग एल्केन में 8 हाइड्रोजन माइनस फॉर्मूले में देखे मोनोवैलेंट कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, कितना है 6/2, 2/2, 1। क्लियर? तो मोटा मोटी यही केस आ रहा है। पाई बॉन्ड का केस लेते हैं तो एक ही केस हो सकता है, एक पाई बॉन्ड होगा जिसमें रिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, या दूसरा केस होगा जिसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा रिंग होगा। क्लियर? एक एक करके दोनों केस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, केस वन, केस ऑफ पाई बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड का केस ले रहे हैं तो इसमें रिंग क्या होगा, नहीं होगा, रिंग के बारे में हमें नहीं सोचना। ठीक है, तो सीधे सीधे पहले हम चेन बना के देख लेते हैं कि कैसा कैसा चेन हो सकता है। आपके पास फॉर्मूला क्या है, C3H6O, तो 3 कार्बन का और 1 ऑक्सीजन का यूज करना है, उसके बाद आपको जो स्ट्रक्चर बनाना है आप बना सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो आप चेक करें, एक ये पॉसिबिलिटी है, एक और क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मतलब एक कार्बन का कंटिन्यूअस चेन है, एक कार्बन का डिसकंटिन्यूअस चेन, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन कहीं साइड में आ जाएगा, राइट, और इस केस में क्या होगा, इस केस में ऑक्सीजन कहीं साइड में आ जाएगा, कहीं पर भी आ सकता है, और इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन आ चुका है, करेक्ट। अब क्योंकि ऑक्सीजन आ चुका है यहां पे, दो केस में, इस केस की बात अगर करें तो यहां पे ऑक्सीजन आ चुका है, राइट। अब आपको क्या करना है, ये रिंग नहीं है तो पाई बॉन्ड तो आपको बनाना है, तो पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी मेरे को एक ही दिखती है, एक यहां पर। क्लियर? तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो जाए, आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं, इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 है और इसने एक बॉन्ड बना रखा है, तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। इस ऑक्सीजन ने अपनी 2 वैलेंसी पूरी कर रखी, इस कार्बन ने 3 वैलेंसी पूरी कर रखी, एक बचा उसको हाइड्रोजन मान लिया, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन होगा। क्या हो गया फॉर्मूला, 1, 2, 3, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 4, 5, 6, H6O। सेम फॉर्मूला आ गया, कोई कंफ्यूजन? अब यहां पर देख, यहां पर फिर से आपकी 2 पॉसिबिलिटी है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी। पहली पॉसिबिलिटी होगी कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड। तो इस केस को हम लोग यहां पे डील करते हैं, सी सी सी। इसका फर्स्ट केस ले लेते हैं, पाई बॉन्ड बिटवीन सी
एंड ओ। पाइवोट किसमें है? किसके बीच में? सी और ओ के बीच। दैट मीन्स आपका स्ट्रक्चर दो ही पॉसिबल हो सकता है, सी डबल बॉन्ड हो, सी सी एल्डिहाइड हो गया ये, सी 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 डबल बॉन्ड हो। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती। अगर कोई बोलता है सर ये सी डबल बॉन्ड ओ मैं आखिरी कार्बन पे लगा देता हूं, मैं बोलूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कंपाउंड वही है, आप बस उसको पलट के रख दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट केस क्या आएगा? पाई बॉन्ड बिटवीन सी एंड सी, कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, तो उसकी भी क्या पॉसिबिलिटी है? बना देंगे, एक ही पॉसिबिलिटी आ सकती है, राइट? तीन ही कार्बन है तो आप किसी एक ही के बीच में तो दीजिएगा ना, तो पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी यहां पर होगी। अब आपको क्या लगाना है? ऑक्सीजन लगाना है। जाहिर सी बात है OH ही लगाएंगे आप, क्योंकि एथर तो आप बना नहीं सकते, डिस्कंटिन्यूअस चेन आपने यहां पर कर दिया, वो काउंट हो चुका है, तो OH ही लगाना होगा। अब OH की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ये कार्बन पे लगाते हैं, ये कार्बन पे लगाते हैं, ये कार्बन पे लगाते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी आ गई? तीन। कौन कौन सी है एक बार फिर से देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? चलिए बना ही लेते हैं। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तीन पॉसिबिलिटी किसकी आ गई? अगर कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, तीनों केस में है। दो पॉसिबिलिटी आएगी जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, ये केस है। और एक केस किसका आएगा? जब चेन ही डिस्कंटिन्यूअस है, कार्बन कार्बन डिस्कंटिन्यूअस चेन, तो एक पॉसिबिलिटी उसकी, तीन उसकी, दो इसकी। तो पाई बॉन्ड वाले केस में कितने स्ट्रक्चरलाइज होंगे काउंट कर लेंगे, तीन दो पांच छह, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विथ पाई बॉन्ड बराबर सिक्स, ये मेरे को मिल चुका है। देखकर अब आते हैं रिंग वाले केस में, तो केस ऑफ रिंग ले लेते हैं। इसमें क्या होगा? नो पाई बॉन्ड, इसमें आपको पाई बॉन्ड का कोई केस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका चार मेंबर्ड रिंग, एक ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ये साइक्लिक एथर इसको कहा जाता है। ऑक्सीजन ने दो वैलेंसी पूरी कर लिया, कार्बन अपनी चार करेगा, एक दो तीन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन इधर, दो इधर, दो इधर, C3H6O आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट आप देखेंगे थ्री मेंबर्ड रिंग, तो थ्री मेंबर्ड रिंग में आपके दो तीन केसेस आ सकते हैं। एक केस तो ये हो गया, अब आपका तीन कार्बन लग चुका है, अनसैचुरेशन फैक्टर जा चुका है, वो आप यूज कर चुके हैं रिंग में। तो सिंपल सा किसी भी एक कार्बन से OH जोड़ते हैं, ये आपका फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। काउंट कर लेते हैं, एक दो तीन, तीन कार्बन, दो दो चार, एक पांच, एक छह हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, हो गया। नेक्स्ट आपकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये और एक CH3 आप इसके साथ जोड़ रहे हैं, तो एक दो और तीन, तीन कार्बन हो गए, ऑक्सीजन हो गया, एक रिंग बना दिया आपने, तो ये भी आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी मेरे को समझ नहीं आ रही। चार मेंबर रिंग हो गया, तीन मेंबर रिंग के दो केस हो गए, जिसमें एक नॉन एथर है, दूसरा एथर है, तो इतने ही केस बनेंगे रिंग वाले। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विद रिंग बराबर थ्री, एक दो और तीन,
तो टोटल स्ट्रक्चर लाइसोमर्स कितने होंगे? जोड़ दीजिए 6 + 3 9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं, लेकिन आपसे ये मेहनत कराएगा। अगर आप ईमानदारी से सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे आप काम कर रहे हैं, तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। ये क्वेश्चन हमेशा बनेगा, हमेशा कभी गलत नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है, अगर आपका ये सिचुएशन क्लियर है तो एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए हमारा, होमवर्क है वो आप घर पे ट्राई करें और मेरे को आप बता सकते हैं या आप आंसर मैच कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ रहे हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9NO। यहां पर एक कंडीशन में ऐड कर दे रहा हूं, ओनली कंसिडर ओनली दो स्ट्रक्चर विच आर अमाइन्स। मतलब एक फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया है, उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को ही आपको देखना है। उस फंक्शनल ग्रुप के जितने भी आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर मिलेंगे उसको आपको काउंट करना है और आगे मेरे को आंसर में बताना है। अब अमाइड क्या होता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, तो आज मैं फिर से रिपीट करूंगा कि टॉपिक पढ़ने से पहले आपको नॉमेनक्लेचर अच्छे से आना चाहिए, आपको पहचानना चाहिए कौन सा क्या फंक्शनल ग्रुप है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करें। तो अमाइड क्या होता है ये आपको बता देते हैं। इस टाइप का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम अमाइड बोलते हैं। क्या होता है इसमें सी डबल बॉन्ड ओ एन आर डैश, ये पर्टिकुलर एक ग्रुप होता है, इसको हम अमाइड बोलते हैं। ये भी हो सकता है, अगर ऐसा कुछ है तो इसको भी हम अमाइड ही बोलेंगे, कुछ अलग नहीं हो। क्लियर? पॉइंट ये है सी डबल बॉन्ड ओ एन ग्रुप होना चाहिए, अगर ये है तो इसको हम अमाइड बोलेंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा टॉपिक, कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे इसके बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमर में एक और थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम टॉटोमर्स के नाम से जानते हैं, टॉटोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। टॉटोमेरिज्म में जो चीजें पढ़नी है वो तो आप पढ़ चुके हैं, उसका मैकेनिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? इंटरकन्वर्टिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर। इंटरकन्वर्टिबल मतलब जो एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं वैसे आइसोमर्स, उसको हम टॉटोमर्स बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं, किसके किसके बीच में टॉटोमेरिज्म होता है, क्या उसके कंडीशंस हैं, ये सारी चीजें हम लोग अगले दो क्लासेस में हम टॉटोमेरिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पर रखते हैं, इतना ही रखते हैं, आज के लिए यहीं पर छोड़ते हैं। थैंक यू।